झारखंड एटीएस ने गैंगस्टर अमन साहू के चार गुर्गों को गिरफ्तार कर एक बड़ी घटना को होने से रोक लिया है। दरअसल यह गैंग गिरिडीह जेल के सुपरिटेंडेंट हिमानी प्रिया के घर पर हमले की साजिश रच रहा था। अमन साहू गिरोह के खिलाफ एटीएस की बड़ी कार्रवाई। गिरिडीह जेल में अधीक्षक को धमकी देने के मामले में गिरफ्तारी हुई है और अधीक्षक हिमानी प्रिया को दी गई थी धमकी, व्हाट्सएप पर दी गई थी धमकी। गिरिडीह जेल अधीक्षक के घर पर हमले की योजना भी बन रही थी। अमन साहू को जेल में सुविधा नहीं मुहैया कराने पर धमकी दी गई। रोशन सिंह, अविनाश कुमार, अजय कुमार ठाकुर और शिवशंकर गिरफ्तार कर लिए गए। रांची, रामगढ़ और पतरातू और गुमला से हुई गिरफ्तारी। जेल में अपराध की साजिश रच रहा अमन साहू। अमन साहू गिरोह पर एटीएस का शिकंजा। गिरोह के चार अपराधियों को एटीएस ने किया गिरफ्तार। नंबर्स हमारे रडार पे आए थे, उसको हम लोगों ने टेक्निकली एनालाइज किया, उसको इंटरसेप्शन वगैरह पे भी लिया गया और दो तीन दिनों के एनालिसिस के बाद हम लोगों को ये बात सामने आई कि ये जो गिरोह है इसमें कुछ लोग जेल अधीक्षक के, जेल सुपरिंटेंडेंट गिरिडीह के घर पे, जो कि घर इनका देवघर में है, वहां पर इन लोगों के द्वारा कोई कांड किया जा सकता है। फिर इसका वेरिफिकेशन किया गया, इसमें हम लोगों ने चार लोगों की अरेस्टिंग की और इनके अरेस्टिंग होने के बाद हम लोगों को बहुत सारे अच्छे एविडेंस प्राप्त हुए हैं, टेक्निकल एविडेंस, जिससे इस षड्यंत्र का खुलासा हुआ। तो ये लोग एक कांड करने वाले थे, इसमें चार लोगों की अरेस्टिंग की गई। वहां पे घर पे इन लोगों के द्वारा फायरिंग की जाने वाली घटना को का षड्यंत्र रचा जा रहा था कि उसके घर पे जाएंगे, फायरिंग करेंगे और संभवतः उनके जो रिलेटिव्स हैं उन पे भी फायरिंग करने की कोशिश की जा सकती थी। तो इसमें हम लोगों ने एकदम सौसमय काम किया, इसमें हम लोगों ने चार लोगों की अरेस्टिंग की, जिसमें से एक रोशन कुमार सिंह जो पंडरा ओपी रांची का रहने वाला है, एक अविनाश कुमार जो पतरातू थाना रामगढ़ का रहने वाला है, एक शिवशंकर कुमार जो पंडरा ओपी रांची का रहने वाला है और एक अजय कुमार ठाकुर जो साहिबगंज जिले का रहने वाला है। इन चार तो अमन साहू गिरोह पर लगातार एटीएस की ओर से शिकंजा कसा जा रहा और आज चार अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। गिरिडीह जेल अधीक्षक पर हमला करने की साजिश रची जा रही थी। इसी खबर पर पूरी जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अजय लाल लाइव जुड़ चुके हैं। अजय लाल का रुख करेंगे। अजय, एटीएस की बड़ी कार्रवाई, गिरिडीह जेल अधीक्षक पर हमले की साजिश रचा जा रहा था और साजिश रचने वाला और कोई नहीं, गिरिडीह जेल में बंद गैंगस्टर अमन साहू का गिरोह था और चार अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है। पूरी जानकारी दर्शकों से साझा करें। देखिए, पूरी कहानी यह है कि अपने आप को गैंगस्टर कहलाने वाला अमन साहू इससे पहले पलामू जेल में बंद था, उसके बाद उसे गिरिडीह जेल लाया गया और कहा यह जा रहा है कि गिरिडीह के जेल में वो अपने कमरे में, यानी कि जिस सेल में वह बंद था, वो और किसी कैदी को अपने सेल में नहीं रखना चाहता था सिवाय किसी सेवादार के, और यह भी उसकी ख्वाहिश थी कि उसके सेल में सोफा हो, खाना बनाने वाले दो तीन सेवादार हों और वह सब कुछ कर सके जो उसकी मर्जी में आए। और इसी जब उसका ये जब ख्वाहिश पूरा नहीं हुआ तो उसने गिरिडीह जेल के सुपरिटेंडेंट पर एक प्रकार से, आप कह सकते हैं कि मैं तो इस बात को नहीं कहूँगा, हालांकि ऋषभ झा बोल रहे थे कि उनके घर पर हमले की योजना थी, यदि ऐसी योजना थी तो ये बहुत ही खतरनाक योजना है। और यदि चार लोगों की आज गिरफ्तारी हुई है, एटीएस को बधाई दी जानी चाहिए और हमारे रिपोर्टर्स ने जो खबर दिखाई कि कैसे कैसे वो गढ़वा जाकर, वहाँ पर जो मेरे पास जानकारी है कि संभवतः शादी के समारोह में जो शिवशंकर एक है वो वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा था और उसके बाद गुमला में जाकर उसकी गिरफ्तारी हुई। आप कल्पना कीजिए कि कहाँ गिरिडीह, कहाँ गुमला और कैसे कैसे इनकी पूरे का पूरा तंत्र काम करता है। देखिए, ऐसे मामलों में होता यह है, जो प्रैक्टिस ये कहता है कि जो गुर्गे गिरफ्तार होते हैं उस पर धाराएं तो लगाई जाती है, लेकिन जब चार्जशीट होता है ऐसे अपराधियों के खिलाफ
तो कहीं ना कहीं चार्जशीट में धाराएं कमजोर कर दी जाती है, जिसका फायदा अपराधियों को मिलता है। अदालत में कई बार जो प्रैक्टिस में आया है कि जो कुख्यात अपराधी गिरफ्तार होते हैं उसकी गवाही ठीक से नहीं हो पाती, उसके खिलाफ गवाही देने के लिए गवाह अदालत तक नहीं पहुंच पाते, और इन्हीं सारी परिस्थितियों का फायदा ऐसे अपराधी उठाते हैं, दुर्दांत अपराधी उठाते हैं। एटीएस की टीम को बधाई दी जानी चाहिए कि आज उन्होंने 4 लोगों को गिरफ्तार किया, हर एक शूटर को भी गिरफ्तार किया है, जो संभवतः इस मामले में जो कहा जा रहा है, ऋषभ झा ने जो कहा है अपने बयान में बाइट में कि गिरडी जेल के सुप्रिंटेंडेंट के घर पर हमले की योजना थी, उसके लिए हथियारों की डिलीवरी होनी थी। अब देखिए 4 लोगों की गिरफ्तारी के बाद एटीएस का काम और बढ़ जाता है कि क्या ये 4-5 लोगों का ही गैंग है या फिर पूरे राज्य में इसने गैंग फैला रखा है, कौन कौन लोग हैं। एक सवाल यह भी होता है कि क्या अमन साहू जैसे लोगों को किसी सफ़ेद पोश की कृपा प्राप्त है। अमूमन ऐसे अपराधी तभी पनपते हैं, तभी फलते फूलते हैं, जब उनके माथे पर किसी ना किसी ऐसे लोगों का आशीर्वाद वाला हाथ होता है, जो उनको ये विश्वास दिलाता है, भरोसा दिलाता है कि तुम्हारे साथ मैं हूँ और किसी प्रकार की परिस्थिति उत्पन्न होगी तो मैं तुम्हारा साथ दूंगा। और बदले में ऐसे लोग जो जेल के बाहर हैं अपराधियों को आशीर्वाद देते हैं। जी बिल्कुल अजय, तो अब लगातार पुलिस की ओर से कार्रवाई की जा रही है, और खास करके झारखंड में पुलिस ने यह संकेत दे दिए हैं अपराधियों को कि आप अगर डाल डाल है तो पुलिस पात पात है, आप कुछ भी कीजिए, आप कोई भी साजिश रचिए, पुलिस उसे नाकाम करेगी और आप जैसे अपराधियों पर लगातार शिकंजा कसा जाएगा। अजय, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अमन साहू गैंगस्टर जो कि गिरिडीह के जेल में बंद है, वो जेल से बड़ी साजिश रच रहा था, लेकिन एटीएस ने इस साजिश पर पानी फेर दिया और उसके गिरोह के 4 अपराधियों की गिरफ्तारी हुई। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।